सामने सामने अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगमा विश्व प्रख्यात खिलाड़ी मैराडोना के निधनमा शोक मनाउन अर्जेन्टिना नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार आज कार्यक्रममा नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता के रेडियो सानबी 96.4 उनका 4 मेगाहर्ज के तरंग में हर दिन सवेरे सवेरे आवे वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से मनोज पटेल उपस्थित हो गए बानी। जी हाँ श्रोता महानुभाव लोग हमनी देश और जनता संगे जोड़ल विभिन्न विषय वस्तु पर और खास करके जन सरकार के विषय वस्तु पर हम चर्चा परिचर्चा करते आ रहल बानी। चाहे विकास निर्माण शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आदि इत्यादि हर विषय पर हर पहलू पर हमनी नजर गड़ैले बानी। चलाते आ रहल बानी और हमनी हर दिन एगो वक्ता के साथ में कार्यक्रम उपस्थित हो गए और आज भी हमनी संगे एगो राजनीतिक जीवन और खास करके राजनीतिक अपन यात्रा शुरू कैले को व्यक्तित्व संगे हम कार्यक्रम में जुड़ रहल बानी और छलफल में ई बतकही में आज के दंगल में हम के उन करा के जुड़ रहल बानी। जी हां हम अवेयर ना करते हुए अपने के परिचय दे देवे के चाहे तत्कालीन राजपा नेपाल 12 जिला के प्रवक्ता रहल और हाल अभिन जनता समाजवादी पार्टी के नेता चर्चित युवा नेता कहल जाओ अरुण सिंह जी आज हमनी के छलफल में हमनी के बतकही में सहभागिता जना रहल बानी और 12 जिला से रेडियो सानबी 96.4 उनका 4 मेगाहर्ज के टेलीफोन संपर्क में सीधा हमनी के आज संपर्क में जुड़ गई बानी। सबसे पहले अरुण जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहे अरुण जी अपने के हमनी के कार्यक्रम में स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। अपने के सबसे पहले हम इस पूछे के चाहें कि मधेश आंदोलन में अपने लोग सहभागी भइनी, मधेश आंदोलन में बहुत लोग शहादत प्राप्त कैलक, मधेश के जौन मुद्दा रहे, मधेश के जौन मांग रहे, अभिन भी किसान के जौन मांग रहे और समग्र मधेश प्रदेश के जौन बात रहे, इस सारा बात अभिन भी दबाइल बा, तक कहाँ कमी बा, अपने लोग के यात्रा अभिन तक कहाँ पहुँचल, एकरा के हमनी कैसे संक्षिप्त रूप में अपने कैसे समीक्षा करें। सबसे पहले तो अपने के अत्यंत लोकप्रिय रेडियो सानवी के माध्यम से हम अरुण सिंह के आवाज जनता समक्ष पुगावे के जोन काम करनी है बहुत बहुत धन्यवाद बा। अपने के आभार भी व्यक्त करत जी जी। और अपने के सवाल पर हम कहे के चाहम कि संघर्ष संग्राम युद्ध अधिकार के लड़ाई निश्चित तौर पर काल भी चलत रहे, बीच में भी चलता, आज भी चलता, जब तक ले मिल ना जाए तब तक ले चलत रही। हम अपने के मार्फत से तमाम आम नागरिक लोग में कहे के चाहम और कहाँ तक ले पुगल बा जोन अपने कहल गई मधेश आंदोलन के देन बा, मधेशवादी दल के देन बा कि प्रत्येक नागरिक के दरवाजा दरवाजा पर सुलभ और सरल तरीका से नागरिकता वितरण के काम भेल, मधेश में आपन एगो चेहरा लौके वाला लोग के मुख्यमंत्री और मंत्री प्रदेश सरकार के गठन भेल, संघीयता के एगो बहुत बड़का उपलब्धि भेल, ई तमाम ई सब आंदोलन के बहुत बड़का उपलब्धि बा। एकरा के जोगावते हुए एकरा के मतलब संचय करते हुए और अधिकार जो थप अधिकार हमनी के बाकी बा बहुत सारा बात तभी अधिकार मधेशी आदिवासी जनजाति थारू लगायत के चीज बाकी बा, वो तमाम लोग के वो तमाम नागरिक लोग के अधिकार ला लड़ाई अभी चलिए रहल बा और चलते रही। तो अरुण जी अपने कहनी है कि सहज रूप में लेकिन प्रदेश सरकार अपने लोग के बन गई, बहुत चीज परिवर्तन भइल, अपने लोग के आंदोलन के बलबूता पर देश में संघीयता आइल, अपने लोग कहनी कि सिंह दरबारे अब गांव में आ गई, अब जनता के सेवा सिंह दरबार से ना डायरेक्ट जनता के दरबार से मिली, लेकिन जनता के खातिर सरकार से जौन राहत पैकेज सब जौन मुहैया हो रहा बा, जौन सेवा सुविधा सब जौन मुहैया हो रहा बा, उ सही ढंग से जनता के लगे पहुंचे नहीं सका, डायरेक्ट जनता जा रहा बा, एकरा के अपने कैसे देख रहा बानी। देखल जाओ जौन सिंह दरबार के अधिकार डायरेक्ट जनता के घर में कहल गई रहे कि निश्चित तौर पर हमनी के पार्टी के द्वारा जोरदार और सशक्त रूप में आवाज उठावल आवाज है, जौना के नेपाल के शासक का बाध्य होके उ बात बोले के पड़ल, परंतु उ काम भी स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार और तीन तरह के सरकार संघीय सरकार करके यहाँ
संघीयता में कार्यान्वयन में भी आयल, परंतु सिंह दरबार के भीतर ही संघीय सरकार के द्वारा सिंह दरबार के भीतर ही वो अधिकार के राखल गई बा, और भाषण में सिर्फ वहां से बात होता कि अपने के जनता के द्वार पर चल गई बा, जौना के नतीजा जो अपने कहनी है जो कर मुहैया नागरिक के नहीं मिले सकत, वो विषय पर हमने संघर्ष ला आज वो तैयार बानी और प्रत्येक दिन वो विषय पर हमने का आवाज उठावत रहनी सर संघीय सांसद में, जनता समाजवादी पार्टी के संघीय सांसद लोग उठावत रहेला और युवा सड़क और सदन से चारों तरफ से हमने का विषय पर आवाज उठावत रहनी सर। लेकिन अरुण जी, जनता जी के और जनता जनार्दन के ये कहाव बा कि हमने मदेशवादी दल की भी वोट देनी, कम से कम प्रदेश नंबर दो में मदेशवादी दल के बरियार सरकार बनेनी, लेकिन इहो लोग उहे बा खाली संघीय सरकार के गाड़ी दे के कब तक ले चली, कुछ अपना से भी करे के पड़ल, अपना से जौन होए वाला चीज बा तो उन तक कम से कम मदेश जौन है वादी के अपने लोग के सरकार बा प्रदेश नंबर दो के उ लोग के भी तो करे के पड़ल, जनता के ही कहा बा। बहुत सांदर्भिक बात बा, आम तमाम नागरिक लोग के जिज्ञासा के विषय बनल बा, बहुत अच्छा चीज बा, बने के भी चाहिए। अपने के कहे के चाहम हम कि देश में 7 गो प्रदेश बा, जिनमें 6 गो प्रदेश में मतलब कम नेकपा के सरकार बा, 1 गो अपने के प्रदेश जोन बा 2 नंबर प्रदेश को में मदेशवादी दल के सरकार बा, कि हम आम तमाम नागरिक जनता जनार्दन लोग के हमें बात के जानकारी करावे के चाहम। दूसर का बात जे अपने लोगों के भारी बहुमत बरियार बना के हमने पेठनी, संघीय सांसद के कुल सीट संख्या मध्य में हमने के मदेशवादी दल के सांसद लोग की कितना उपस्थिति बा, अपने लगाए अपने के रेडियो सानवी के माध्यम से सुनत तमाम नागरिक लोग सहजे रूप से ये बात के बुझ रहा हुई बुझत भी बा। दूसर बात, प्रदेश नंबर सरकार प्रदेश नंबर दू के सरकार का कह लगता, अभी तक के नेपाल के इतिहास में जनता के दरवाजा पर, जनता के घर में, जनता के डायरेक्ट ओकर गुनासो ओकर समस्या बुझे के काम प्रदेश सरकार के गठन भेल तबसे कर रहल बा, जैसे कि अपने के शहीद लोग के घरे जाए कि वो लोग के का समस्या बा, आग लगाता तो सबसे पहले एगो मंत्री मुख्यमंत्री ऐसा आदमी गांव में पुगता, ओकरा से भेंट करता, ओकर समस्या सुनता, बाढ़ आवता नदी के किनारे किनारे घूम रहल बा, ओकरा के देख रहल बा, इस चीज के अनुभूति भी नागरिक के हो रहल बा। अब रहल की और कुछ भी वो लोग का करे के चाहिए तो और कुछ ला भी अपने के वैश्विक महामारी के बीच में जोन हमनी का अभी चल रहल बनी, अपने से आज जोन बात हो रहल बा, ये वैश्विक महामारी के संक्रमित लोग के हम उपचार ना करम कह के नेपाल के संघीय सरकार असक्षमता प्रदर्शन कैलक, बाकायदा घोषणा कर दिलक, लेकिन एगो प्रदेश नंबर दू के ही सरकार बा जे देश भर में जे कहलक जे संघीय सरकार अगर अपन हाथ घिंचता तो प्रदेश सरकार वो कोरोना से पॉजिटिव कोई भी लोग हो कितनो भी खर्चा हुई ओकर उपचार करावेला हमने का तैयार बानी। ये मानवता के एगो बहुत बड़का उदाहरण बा प्रदेश नंबर दू के सरकार के ई सब काम बा, और एवं प्रकार से बहुत सारा विषय बा जो अपने के रेडियो का माध्यम से थोड़ा देर में संभव भी नहीं। जी अरुण जी, अपने बहुत सारा बात गनैनी है, लेकिन किसान हमनी के कहल जाओ, किसान एगो हमनी के सबसे अन्नदाता जेकरा के हमनी के कहिने, किसान लोग के मेहनत के बलबूता पर हमनी के 2 बखत के रोटी हमनी के मिलेला, लेकिन किसान लोग के का परिवर्तन भइल, किसान लोग के का मिलल, अभी तकले मल खाद सिंचाई लोग के खातिर किसान लोग आहत बा, दर दर के ठोकरे खा रहल बा, उ लोग जौन उपजावेला ओकर उपजाऊ जौन खाद पदार्थ बा, तरकारी बा, धान खाद बा, जैसे कि गहूँ बा, इस सब के बाजार अभियो नहीं के मिल रहा, किसान लोग के सिंचाई नहीं के मिल रहा, समय में मल खाद नहीं के मिल रहा, स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार का कर रहा बा। बहुत अच्छा बात बा, आदरणीय देश के तमाम किसान महानुभाव लोग में हम ये बात के जो समस्या बा एक तरह के हम ये तो ये हिसाब से देखे के चाहम कि किसान के खेती बाली
और उपजावल अन्न पानी से ही किसान बा तो हमनी सब कोई इंसान बाचल बा। इतना बड़का इंसान के बचावे वाला काम करे वाला महान किसान के दुख के पीड़ा के जवना देश के सरकार ना सुनता, निश्चित रूप में ओकर पतन लिखल बा। उ कभी सरकार अपने के टिक ना सकता, भले आज अपना बंदूक के बल पर, अपना शासन के बल पर, अपना सांसद सीट के संख्या के बल पर, कोनो किस्म के बल पर किसान के, बिरामी के, अपने के महिला के, अपांग के, जितना भी लोग के जौन दबा के रखले बा अधिकार से लेके ये अपने के कृषि संबंधी बाली नाली के जौन बात कहनी है, गहूँ के बिया मिले माने बीऊ मिले के चाहिए, धान के बिया मिले के चाहिए, मकई के बिया मिले के चाहिए, सहजे रूप से अपने के मल खाद मिले के चाहिए, एकर जिम्मेवार के बात है, एकर जिम्मेवार निश्चित तरीका से नेपाल सरकार एकर जिम्मेवारी लेवे के चाहिए। जौना के अपने ही के आवाज में, अपने ही के बात के हम कहते हुए कहे के चाहम कि किसान लोग के जितना समस्या बा, एक बोरा भी अगर खाद अपना देश में कृषि के खाद मल खाद के कोनो फैक्ट्री स्थापित करेला कोनो सक्षम हुआ नहीं थी, अब बगल का जगह से अगर ले आवता एक बोरा खाद अपना खेत में छिटेला तो ओकरा के रहुआ अपन पुलिस लगा के वो किसान के पूरा जेबा से ओकर दशा दशा कर देता नहीं, जौना से एक तो दिन भर खेत में कमाए वाला बा और दोबारा अपने देश में अपने शासन से, अपने प्रशासन से, अपने सरकार से पीड़ित रहता। इसे एकरा के तुरंत के तुरंत स्थानीय तह के सरकार के कहम, प्रदेश सरकार के भी कहम और खास तौर पर संघीय सरकार के जिम्मेवारी बनता कि ये समस्या के समाधान करो, और हमनी नेता लोग के जिम्मेवारी बनता कि एकरा के समय पर संघीय सरकार ना करता तो ये बात के आवाज उठावे के, सशक्त रूप से बुलंद करे के, जौन प्रदेश सभा के प्रदेश के हाउस में आवाज उठ भी रहल बा, चल भी रहल बा, और जहाँ जहाँ अपने के मधेशवादी दल के स्थानीय सरकार बा वो तहाँ निश्चित तौर तरीका से अपने के किसान लोग के होके, युवा लोग के होके, विद्यार्थी लोग के होके जरूर जितना अपना में उस सक्षम बा उतना में अनुभूति जरूर दिला रहा बा। जी अब जैसे कि अरुण जी हमनी के मल्ले खाद के बात अगर कल जाओ, हमनी अपने भी एगो सीमा क्षेत्र में बानी, सीमा हमनी के बारा प्रसार उठ लगात के अधिकांश क्षेत्र सीमा से जुड़ाइल बा, और भारत में सहज रूप में मल खाद उपलब्ध हो जाला, तस्कर लोग के तो छूट दियाला, लेकिन किसान लोग के अपने ही के आवाज में हमनी भी समाचार लिख रहा बानी, कभी कभी लिखत रही ने हमनी भी, किसान लोग के एक बोरा छीना जाला, तस्कर लोग के ट्रैक्टर के ट्रैक्टर आवेला, तो अपने लोग जैसे कि हमनी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख जी लोग बा, प्रहरी उपरीक्षक बा, उ लोग से अपने लोग के भी दायित्व बा, स्थानीय नेता लोग के भी छल फल करके कैसे एकरा के सहज बनावल जाओ, कम से कम किसान के तो एक बोरा ले आवे में सहज होको, इ विषय में भी अपने लोग के भूमिका हो सकता, अपने लोग नहीं खेल रहा। बहुत ही मार्मिक बात और बहुत ही सांदर्भिक बात कहनी, अपने ई बात बहुत मार्मिक बात बा जो डायरेक्ट मतलब अन्न से मुंह से के नाता से जोड़ ले बा। ये विषय पर जौना देश में मनोज जी अपने के हम लोकप्रिय रेडियो सानवी के माध्यम से कहे के चाहम कि जौना देश के सरकार खुद तस्कर होके वो तहां तस्कर के ही अपने के बढ़ावा हुई, तस्कर के ही सुविधा दियाई, लेकिन किसान के सुविधा वो तहां ना मिल सकता, अपने के संघीय सरकार ही तस्कर बा, सोना के तस्करी करता, व्हाइट बॉडी में घुसखोरी करता, अपने के बहुत सारा कांडे कांड बा, कितना कांड बा, सारा कांड कहल जाए तो हमरा बुझाता है जी दिन भर लाग जाए, लेकिन संघीय सरकार के कांड ओराए वाला नहीं थे, लेकिन किसान के कांड के समाधान हेतु हमनी नेता किसान मतलब भाई लोग, किसान आदरणीय महानुभाव लोग, तमाम लोग का अपना जगह से उ लोग भी आवाज उठावता, और हमनी का भी समय समय पर जहाँ बानी जिला प्रशासन कार्यालय से, जिला प्रहरी कार्यालय से ये विषय के एक बेर ना 50 बेर 100 बेर जब जब किसानी खेती के समय होला, मल खाद के समय होला, ओकरा पहले ही पूर्व वो लोग के अवगत करावल जला, कहल जला, लेकिन उहे देखल जला जे किसान के साइकिल छीना के भंसार में जला और तस्कर के साइकिल सीधा
तस्कर के गोदाम में जाला और वे किसान मजबूर हो जाला, बाध्य हो जाला, जोन एक रुपया में कीन के ले आता वो पांच रुपया में कीने में बाध्य होला। तो तस्कर के अभी नेतृत्व में सरकार बा, संघीय सरकार, यहाँ तस्कर के ही बढ़ावा हुई, यहाँ किसान के बढ़ावा अभी नहीं के। जौना ला जनता समाजवादी पार्टी दिन रात ओहो रात अपना अपना जगह से अपना अपना तह तबका से प्रत्येक दिन प्रत्येक ठाव में प्रत्येक समय में हरेक माध्यम से आवाज उठा रहा बा। अरुण जी, अपने के पार्टी के गतिविधि भी अपने लोग चला रहे बनी बारह जिला में, गांव गांव में घर दैलो कार्यक्रम में, एकरा बाद में कमेटी सब गठन अपने लोग कर रहा बनी, पिछलका समय में ये सब भी आवाज आ रहा बा कि अब जनता समाजवादी पार्टी अपन मुद्दा से विमुख हो गई बा, नया शक्ति पार्टी संगे जुड़ गई बा और पहाड़ के पार्टी संगे जुड़ रहा बा, तो का मधेश के मुद्दा अपने के पार्टी भूल गई बा और मधेश में जौन लहर रहा अपने के पार्टी के वो में कमी आ रहा बा कह के समाचार माध्यम सब में समाचार आइल बा, एकरा के अगर हवाला देवल जाओ ते में कितना सत्यता बा बारह जिला में, अपने बारह जिला के भूमि में बानी, बारह जिला के भूमि पुत्र बानी, अपने बारह जिला के गांव गांव में अपने लोग दौड़ाहा में बानी, का बा वहाँ अपने लोग के पार्टी के जन रहल साँचो में घट रहा बा। ऐसन समाचार में बिल्कुल सत्यता नहीं है, कि पूरा असत्य बात बा। जनता समाजवादी पार्टी के तहत आज मतलब नवगठित पार्टी जनता समाजवादी पार्टी बा, पूर्व में यह पार्टी अपने मधेश के उन्मुक्ति ला, अधिकार ला, पहचान ला, स्वाभिमान ला, सम्मान ला, अपने के मधेश में बहुत बहुत आंदोलन के नेतृत्व कैलक, कभी संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के नाम से कैलक, कभी सद्भावना के नाम से कभी कैलक, कभी कुछ कुछ अनेक अनेक नाम से कैलक, लेकिन यह नेता लोग बा आज फिर वे संगठन जनता समाजवादी पार्टी के एगो नाम मात्र परिवर्तन बा। जितना काम पहले भयल बा उतना काम आज भी करे के नेता लोग में उतने जोश बा, उतने जागर बा, उतने प्रयास बा, उतने हो रहल बा। और अपने के बिहान का डेट में भी जब तक ले आदिवासी जनजाति मधेशी मुस्लिम महिला थारू हमनी तमाम हमर राउर संपूर्ण लोग के चेहरा जब तक ले नेपाल के संविधान 2072 के पाना में जब उल्टावल जाए तो उमे ना लौके जो हमर चेहरा ना बा, तब तक ले हमनी का ये संविधान के विरोध करते रहम, बहिष्कार करते रहम और असोज तीन गते हमनी की तमाम लोग ला काला दिन रहले रही, काला दिन हमने। लेकिन अरुण जी, नेपाली कांग्रेस के नेता लोग हमनिये के कार्यक्रम में आके लोग अंतर्वार्ता देवेला, उ लोग कहेला नेपाली कांग्रेस सशक्त एगो प्रतिपक्ष के भूमिका प्रदेश नंबर दू में और संघीय सरकार के हाउस में भी उठा रहल बा, अब गेल भैंस पानी में जनता समाजवादी पार्टी के देख लेनी हमनी, नेकपा के देख लेनी, अब नेपाली कांग्रेस के जन लहर आ रहल बा मधेश में। नेपाली कांग्रेस के लोग नेपाली कांग्रेस का विषय पर कहता का बोलता ना बोलता ओकर विषय है, जनता जोन बोलता जन आधार के जोन बात बा, ग्रास रूट से जौन आवाज आ रहल बा। आज तक ले संघीय सरकार का गठन का बाद में प्रमुख प्रतिपक्षी के रूप में वहाँ नेपाली कांग्रेस संघ में काठमांडू में प्रमुख प्रतिपक्ष के रूप में भूमिका निर्वाह कर रहल बा। केपी ओली के नेपाल देश के नामकरण बदल देवे के चाहे संघीय लोकतांत्रिक नेपाल हटा देवे के जौन निर्णय भइल, वैसन अपने के नेपाले के नक्शा के काट के आ जन्मदिन मनावे के जौन एगो फैशन प्रधानमंत्री का तरफ से चलल, अपने के बहुत सारा कांड चलल, बहुत सारा बलात्कार भयल, बहुत लोग के हत्या भयल केपी ओली का नेतृत्व में, एकर कितना विरोध कैले बा नेपाली कांग्रेस ई जनता जान रहल बा। ई जनता के नेपाली कांग्रेस का लोग के मूर्ख बनावला के चाहे जनता के मतलब दिग्भ्रमित कैला के कोई आवश्यकता नहीं के, और जनता ना हम जनता समाजवादी पार्टी के नेपाल के नेता अरुण सिंह का दिग्भ्रमित कैला से होए वाला बा और ना नेपाली कांग्रेस के दिग्भ्रमित कैला से होए वाला बा। जनता अगर जानता तो एक एगो बात जानता कि ये देश के संपूर्ण नागरिक चाहे वो मधेशी चेहरा के नागरिक हो
थारू चेहरा के नागरिकों को, पहाड़ी चेहरा के नागरिकों को, हिमालय चेहरा के नागरिकों को लगाए तमाम नागरिक की एक एक विकल्प बाय अब देश में जो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल वो अपने के अवतार भाई जनता समाजवादी पार्टी के अवतार हो गई बा। जन्म ना हो यदा यदा ही धर्म से जौन पहल गई बा महाभारत में जे जब जब अन्याय हुई तब तब कोई ना कोई रूप में अवतार हुई थे मतलब विनाश करेला वो लखा विनाशी लोग के अवतार विनाशी लोग के विनाश कर देवे के और अन्य लोग के सुख सुविधा दिवा देवे के अवतार के रूप में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अवतार ले लेबा और जन्म भेल बा एकरा के पूरा ग्रास रूट से लेके हिमालय तक के लोग ए बात के अभी कह रहल बा और बोल रहल बा। कैसे जाए अरुण जी हिमालय तक ले कैसे जाए अपने लोग प्रदेश नंबर दो से बाहर निकले नहीं की सकल और पार्टी एकीकरण हो रहा बा क्या संभावना बा वैकल्पिक शक्ति कैसे हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नेपाल टेलीविजन से देखे के मतलब संचार माध्यम के जितना भी माध्यम बा सोशल मीडिया से अपने देखी दोलखा में गोरखा में रामेछाप में जीरी में मुगु में हुमला में जुमला में चारों तरफ जनता समाजवादी पार्टी के बोर्ड राख करके और बकायदा वहां देश के झंडा और पार्टी के झंडा राख के पार्टी कार्यालय के दिनहू उद्घाटन हो रहा बा। यू बात के हम तमाम जनता के अपने के लोकप्रिय रेडियो सानवीर के माध्यम से जानकारी कराए के साथ। जी अरुण जी व्यस्त अपने रहनी है हमने के साथ में जुड़ा रहनी है जनता समाजवादी पार्टी 12 जिला के चर्चित युवा नेता अरुण सिंह और अरुण सिंह जी एगो युवा नेता के रूप में उभर रहा बानी 12 जिला में हमने के साथ में अपन विचार सब साक्षात्कार कैनी है हमने के साथ में हमने के समय देनी है। अरुण जी अपने लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद दें हमने के रेडियो 96.4 MHz के। अंत में जाते जाते संक्षिप्त रूप में आधा मिनट में 12 जिला के जनता के मदेश के जनता के अपने का संदेश देवे के चाहे एगो युवा नेता के हैसियत में तमाम देश के तमाम नागरिक के दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम कहे के चाहम और उकरा बाद में शासक के लंगे बम बा तो जनता के लंगे अपन दम बा अधिकार लेके रही नमस्कार। जी हमने के जनता समाजवादी पार्टी 12 जिला के युवा नेता अरुण सिंह कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में सहभागिता जनैनी है। अपने के कार्यक्रम कैसन लागल है जनता जनार्दन होकेला जनता के हाथ में सब चीज बा और सबसे बड़का चीज मताधिकार बा अपन मताधिकार के सही समय में सही तरीका से अपने लोग प्रयोग करे खातिर ये कार्यक्रम एगो पुल के रूप में हमने के हरेक पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग के हमने के कार्यक्रम में आमंत्रण करके छलफल चर्चा परिचर्चा करा रहल बानी। ये छलफल सब सुन के अपन दिमाग में अपन मन में अपन जहम में एगो अपने बनाई एगो धारणा बनाई और ये देश जनता के विकास कैसे हुई समाज के परिवर्तन कैसे हुई ये दिशा तरफ नेता और साथे साथे जनता के भी अहम भूमिका हो सकता जैसे हमने के लागेला। कार्यक्रम अपने सुननी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के विषय में कोनो अपने के ओरहन खोपसन राह सलाह सुझाव कोनो अगर हमने के बा तो अपने से हमर निवेदन बा हमर विनती बा लाख लाख अनुनय विनय और हमर निहोरा बा अपने से कि हमने के जरूर अपने भेजी हमने के राय सलाह ओरहन के खातिर हमने के रेडियो सानवी के टेलीफोन संपर्क में आके हमने के अपन सुझाव अपने टिपा सकतनी हमने और उस सलाह सुझाव अनुसार हमने के कार्यक्रम के अगला दिन में परिमार्जन करते जाए और बिहान हम ऐसा एगो जल्दा बल्दा गतिविधि संगे और जल्दा बल्दा नेता संगे उभर रहा नेता संगे हम छलफल लेके हाजिर होकर कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में। आज के खातिर फिर से अरुण सिंह जी के बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके सत्येंद्र जी के अभी तक ले हमने के कार्यक्रम में सहयोग कैनी है ये आवाज के अपने के रेडियो सेट तक पहुंचावे के खातिर अपने के मोबाइल के सेट तक ले पहुंचावे खातिर वहां हमने के सहयोग कैनी है एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो चुकल बा समाचार के समाचार यू सुनल जाए रेडियो सानवी के तरंग में चर्चित रेडियो के तरंग में रेडियो सानवी से प्रसारण होके वाला समाचार भी अपने सुनल जाए कहत हम फिर से मनोज पटेल आज विदा चाहतनी बिहान फिर सवेरे सवेरे कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में हमार और अपने के मुलाकात रूबरू जरूर होई कहत आवाज से ही सही हमार मुलाकात होई कहत हम विदा चाहें नमस्कार प्रणाम शुभ दिन। पाली मन मन को